असम के बरपेटा से पुलिस ने फिर 6 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। जिले के कई स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इन सभी का लिंक हाल ही में गिरफ्तार बांग्लादेश स्थित कट्टरपंथी समूह अंसार अल इस्लाम से जुड़े 5 कट्टरपंथियों से है। पुलिस ने सर्थेबारी से मुफ्ती सुलेमान अली, हावली से जहीदुल इस्लाम, कुमलीपाड़ा से सद्दाम हुसैन, गरेमारी पथार से रसीदुल इस्लाम, कटाझार से मुशरफ हुसैन और मकीबुल हुसैन को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड जब्त किए गए। साथ ही इनके पास से कुछ लिखित साहित्य भी मिले हैं। इनकी भाषा अलग होने के कारण इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इन सभी को कोर्ट में पेश कर 10 दिनों की पुलिस हिरासत ली गई है और इनमें गिरफ्तार एक व्यक्ति का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है, यानी PFI से है। ये सभी बांग्लादेश से आकर असम में धार्मिक कट्टरता की बीज बो रहे मोहम्मद सुमन के समर्थक है। ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसारुल बांग्ला के स्लीपर सेल के रूप में भी काम कर रहे थे। তেখেতসকল হল গৈ মুফতি সুলেমান আলী, জাহিদুল ইসলাম, সাদ্দাম হুসেন, রশিদুল ইসলাম, মুশারফ হুসেন আর মকিবুল হুসেন। এই ছজনক আমি এরেস্ট করেছো। আমি একটা নতুন কেস রেজিস্টার করেছো ইয়াত। আর এরেস্ট করার উদ্দেশ্যটো হল গৈ বা এরেস্ট করার কারণ হল গৈ যোৱা মাহত যিখিনি আমি ধৰিছিলোঁ আনসারুল বাংলা টিমৰ সদস্যসকলক ধৰিছিলোঁ, তেখেতৰ লগত লিংক পাইছো আৰু তেখেতসকলৰ নিজে রেডিকেলাইজ হয়েছে আর এটা বেলেগক রেডিকেলাইজ করবর কারণে সিহতে চেষ্টা চলাই আসে। সেই সংক্রান্তে সিহতক ধরা হয়েছে। আমি তেখেতসকলেরপরা 15টা মোবাইল, প্রায় 20টা সিম কার্ড পাইছো, কিছু আমি লিটারেচার পাইছো। লিটারেচারত কি ইনক্রিমিনেটিং আছে এতালেক মানে কব নো, বাট এইবিল এক্সামিন হয়ে আছে বিকজ দিজ আর ইন এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। তো সেইবিল আমি এক্সামিন করাই আছো থ্রু এক্সপার্টস। তো উই হ্যাভ স্ট্রং সাসপিশন যে সেই লিটারেচারতো কিছু বস্তু ইনক্রিমিনেটিং আছে। আমি এজন তার পাইছো যে PFI লগত জড়িত আসলে, এজন তার ভিতর পাইছো। इससे पहले पिछले महीने भी पुलिस ने बरपेटा, हावली और कलगछिया से 5 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था। इनमें सैफुल इस्लाम उर्फ हारून रशीद उर्फ सुमन बांग्लादेशी नागरिक था, जो बरपेटा में बंगाल का फर्जी पता बताकर मस्जिद में रहकर मदरसा में पढ़ाने का काम करता था, मगर अंदर ही अंदर वह यहाँ कट्टरपंथियों की फौज तैयार कर रहा था। मगर पुलिस ने उसे 4 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। तो असम के बरपेटा में पुलिस ने 6 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। जिहादी नेटवर्क जो है वह पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। मुफ्ती सुलेमान अली, ये नाम आपको बता रहे हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। 6 कट्टरपंथी गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक नाम बताया मुफ्ती सुलेमान अली। कुल 6, इससे पहले भी 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब जो ताज़ा गिरफ्तारी है, जाहिदुल इस्लाम, ये एक शख्स है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है। एक बड़े अभियान के तहत गिरफ्तारी हुई है 6 कट्टरपंथियों की। और तीसरा नाम आपको बता रहे हैं सद्दाम हुसैन, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सद्दाम हुसैन की भी गिरफ्तारी हुई है। बरपेटा में जो बड़ा अभियान चलाया गया, पहले भी 5 गिरफ्तारियां हुई थी कट्टरपंथियों की और उन्हीं की निशानदेही पर यह अभियान चलाया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। 3 नाम हम आपको बता चुके हैं, चौथा नाम आपको बता रहे हैं, जो चौथा नाम है, तस्वीर आप देखिए, रसीदुल इस्लाम। रसीदुल इस्लाम ये जो चौथा नाम आपको बता रहे हैं, ये एक और कट्टरपंथी है जो गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया गया। मुशर्रफ हुसैन ये पांचवा गिरफ्तार शख्स है, जिसका नाम है मुशर्रफ हुसैन। और जो छठे की भी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो गिरफ्तार किए गए शख्स हैं उनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही ये है मकीबुल हुसैन, जो छठा जो गिरफ्तार किया गया है, ये है मकीबुल हुसैन। जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। बरपेटा में पुलिस का बड़ा अभियान चला और आपको बता दें कि इनके पास से 15 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं, 20 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही इनके पास से कुछ लिखित साहित्य भी मिले हैं और इनकी भाषा चूँकि अलग है, इसके लिए इसकी जाँच की जा रही है। और फिलहाल इन सभी को कोर्ट में पेश कर जो 10 दिन की पुलिस रिमांड पर ली गई है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से गिरफ्तार जो एक शख्स है, उसका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से है और ये सभी बांग्लादेश से असम में
धार्मिक कट्टरता की बीज बो रहे मोहम्मद सुमन के समर्थक हैं।